कितना कर लिया था? गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। लास्ट क्लास आप लोगों का कितना हो गया था? क्या सम ऑफ फैक्टर, क्या इवन फैक्टर ऑड फैक्टर हुआ था ना? हाँ सर, टोटल इवन ऑड वाला ही हुआ था। ओके, इवन फैक्टर एंड ऑड फैक्टर हो गया था ना। अब हम लोग नेक्स्ट चलना है, इवन फैक्टर ऑड फैक्टर। अब सपोज करो किसी का मल्टीपल निकालना है फैक्टर का, जैसे सपोज करो आप 36 लिए थे ना, 36 लिए थे ना, 36 का फैक्टर करो, 36 का फैक्टर करोगे तो क्या आएगा? 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 यही हुआ ना। अब मैं बोलूं कि बताओ इसमें 4 के मल्टीपल कितने हैं, ठीक है? तो पहले हम लोग 36 का क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर करते हैं, ठीक है ना? प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2, 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2, ये इनका क्या हो गया, प्राइम फैक्टर हो गया। अब इस प्राइम फैक्टर में हमें क्या करना है, 36 में 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इस प्राइम फैक्टर में हमें क्या करना है कि अब हमें ये फाइंड आउट करना है 4 का मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ 4। अभी ये कितने फैक्टर्स है, अभी छोटा सा फैक्टर हमने कर भी लिया, चलो काउंट भी कर लेंगे, लेकिन अभी आ जाए बड़ा सा नंबर, तो इसमें हमने 4 का मल्टीपल कैसे निकालेंगे? तो 4 का मल्टीपल, तो इससे पहले 4 का मल्टीपल निकालना है ना, तो 4 का प्राइम फैक्टर कर लो, 4 का प्राइम फैक्टर करोगे तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, 2, 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2। आपका जो भी दिया हो 36 का जो भी प्राइम फैक्टर दिया हुआ है, 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2, जो भी प्राइम फैक्टर दिया हुआ है, इस प्राइम फैक्टर में से 2 के पावर 2 कॉमन ले बाहर निकाल, तो अगर 2 के पावर, क्योंकि इसका फैक्टर क्या किया हमने, 4 का फैक्टर किया था, 2 के पावर 2 आया, ये जो फैक्टर आया ना इसको हम लोग बाहर निकालना है। अगर 2 के पावर 2 बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 के पावर 3, यहाँ क्या बचेगा, 3 के पावर 2, 3 के पावर 2 तो रहेगा ना, हमने सिर्फ 2 के पावर 2 निकाला ना बाहर, तो 3 से तो कोई लेना देना नहीं है ना, सिर्फ और सिर्फ किससे लेना है, जो इसका फैक्टर आएगा उतना ही फैक्टर बाहर निकालना, जो नहीं आएगा उसको तो वैसे ही छोड़ देना, एज इट इज रहेगा ना, उसमें कोई चेंजिंग नहीं रहेगा ना, 1 होगा 2 की पावर 0, मतलब 1 होगा, तो देखो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे इंटू हो जाएगा ना, राइट है क्या? अब इसका काम खत्म, जो इसे कॉमन निकाल दिया तो इसका काम खत्म, अब क्या बच गया, 2 के पावर 0 इंटू 3 के पावर 2। अगर ऐसा फैक्टर दिया तो ये कैसे टोटल फैक्टर निकालते हो, तो कहते हो 0 प्लस 1 एंड 2 प्लस 1, क्योंकि पावर में क्या करते हो, प्लस 1 ऐड करते हो, तो 0 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 1, 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 3, 3 वन जा 3, मल्टीपल ऑफ 4 कितना आ जाएगा, देखो 4 का मल्टीपल क्या, 4 है, 12 है और 36 है, 3 आ गए क्या मल्टीपल, समझा क्या, नहीं 4, 12 और 36, 3 हो गए ना मल्टीपल 4 के हो गया ना मल्टीपल, तो ये बस बोला था 4 के मल्टीपल बता दो, 4 के मल्टीपल कितने हो गए, 3 हो गए। अब मैं बोलूं इसी में से कि चलो मुझे बता दो 9 का मल्टीपल, 9 का मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ 9, ऑफ 9, तो मल्टीपल ऑफ 9 देखा जाए तो मल्टीपल ऑफ 9 कैसे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या होगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा ना प्राइम फैक्टर, तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल फैक्टर में से 3 के पावर 2 कॉमन ले लेंगे, तो देखो 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2, इसमें से आपने क्या कॉमन लेंगे, 3 के पावर 2 कॉमन लिया तो 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर क्या बच गया, 0, ये टर्म फिर से कैंसिल आउट कर देंगे, तो क्या बच गया, 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 0, तो जैसे पावर का फैक्टर कैलकुलेट करते हैं एक ऐड करके वैसे ऐड करेंगे, तो 2 प्लस 1 एंड 0 प्लस 1, फिर से कितना आ गया, 3, बताओ 9, 18, 36 आ गया, समझा क्या, कि अगर किसी का मल्टीपल फैक्टर अगर फाइंड आउट करने के लिए कहेगा तो फाइंड आउट करो, चलो 3 का फैक्टर बताओ, मल्टीपल ऑफ 3, सिर्फ मल्टीपल ऑफ 3, अगर मल्टीपल ऑफ 3 की बात किया जाए तो मल्टीपल ऑफ 3 क्या बनेगा, तो देखो 3 का फैक्टर करेंगे प्राइम फैक्टर, तो 3 के पावर 1 ही आएगा, अब उसको क्या करना है, कॉमन लेना है,
मल्टीपल ऑफ थ्री क्या हो जाएगा, देखो टू के पावर टू इंटू थ्री के पावर टू, इसमें से थ्री क्या कर लेंगे कॉमन निकाल लेंगे, तो टू के पावर टू प्लस थ्री के पावर वन, सॉरी प्लस हमारा इंटू होगा, तब पावर ए, अब इसका काम खत्म ना, हमारे पास क्या बचा टू प्लस वन एंड वन प्लस वन, क्या आ जाएगा थ्री प्लस टू कितना है? देख लो एक थ्री है, सिक्स है, नाइन है, ट्वेल्व है, एटीन है, थर्टी सिक्स, काउंट कर लो दो दो चार एक पांच छह, सिक्स आपके फैक्टर्स मिल गए क्या? तो समझ में आया क्या कि कोई नंबर दिया है उसमें से किसी एक नंबर का अगर मल्टीपल पूछेगा तो आप लोग फाइंड आउट कर लोगे क्या? समझ में आया क्या? क्लियर? और क्वेश्चन ऑनलाइन आप लोगों को समझा गया? Yes, sir. ओके निकल रहे हैं क्या सर? हो गया ना? चलो क्वेश्चन लिखो। ऑनलाइन नोट हो गया आप लोगों का? सर एक ऑनलाइन नोट हो गया? हो गया सर। ओके क्वेश्चन लिखो, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स एंड इवन फैक्टर एंड मल्टीपल ऑफ नाइन, मल्टीपल ऑफ एंड मल्टीपल ऑफ टू in multiple of 2 of 360 of 360 of 360
तो देखो अब बताओ इसका कितना आएगा। इसका इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर, मल्टीपल अभी निकालना मैंने सिखाया है, एक बार देखो आप लोग। इवेन 18 टोटल निकाल के देखो, बताओ आप लोग कितने कम के टोटल फैक्टर, टोटल फैक्टर पूछा, क्या क्या पूछा है। इवेन फैक्टर, और फैक्टर, मल्टीपल ऑफ 9 एंड मल्टीपल ऑफ 2, अब 360 डे, 360 है ही ना। पूरा गायब कर दे, भूल गए क्या आप? रिवाइज एक नहीं आता, जैसे आया फिर क्लास चल रही है रनिंग, फिर एक क्लास चले गई, फिर क्लास चलेगी रनिंग, ऐसे क्लास रनिंग। एक बार रिवाइज के क्या आता है ना, पहली बार क्लास करने में समझ में आता है, क्योंकि पिछली का जैसे रिवाइज होता है वो यूज होता है तो आप लोग अटक जाते हो। नया फार्मूला, नया कॉन्सेप्ट, नया क्वेश्चन आता था, आपको प्रॉब्लम नहीं होती। और सिक्स इवेन ऑनलाइन किसी का आंसर नहीं आ रहा है, क्या बात है। ऑनलाइन स्टूडेंट किसी का भी आंसर नहीं आ रहा है, ऐसा क्या प्रॉब्लम हो गई है ऑनलाइन वालों? कोई रिप्लाई भी तो कर दे। तो मेरा पहला लेक्चर है सर, ऑड फैक्टर 6 आया, ऑड फैक्टर 6 आया, ऑड आया है 1, इवन आया है और टोटल 24। टोटल कैसे हमें नहीं मालूम है ना, टोटल हमें पूछा ही नहीं है। ओके सर, आप लोग बोलते हो तो समझ लो मेरे पे एहसान है। 9 का 8 आएगा और 2 का टू का चलो देख सकते सर, इवन 18 है, इवन 18 मतलब, अच्छा इवन भी 18 है, टू का भी 8। तो हम लोग को क्या करना है, प्लस 360 डिग्री में 360 का क्या करेंगे हम लोग, फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर, राइट है ना। देखो 36 का हमने किया था, 360 में क्या इंक्रीज करना है, 2 × 5। देखो आपको प्राइम फैक्टर कैसे करोगे, 36 का 36 × 10, राइट है। 36 का क्या था, 2 के पावर 2 × 3 के पावर 2, तो ये 2 × 5, तो क्या होगा 2 के पावर 3 × 3 के पावर 2 × 5, टोटल फैक्टर हो गया कितना, 360। हाँ हो गया ना, हमें टोटल से तो पूछा ही नहीं था, निकाला तो कोई बात नहीं, आपसे समझ गया। तो फिर क्या पूछा है आपसे कि ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो हम लोग ऑड फैक्टर कैसे निकालते हैं, और ये 2 वाला पावर सीधे क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं, तो 2 के पावर 3 × 3 के पावर 2 × 5, ये पार्ट तो पूरा क्या हो जाता है, कैंसिल आउट, तो क्या बच गया 3 के पावर 2 × 5, तो क्या होगा 2 + 1 × 1 + 1, 3 2 जा कितना होगा,
इवन कितना आ जाएगा? एक कम कर दो, या अभी आप लोगों ने बोल लो टोटल हमने निकाला है तो टोटल कितना है 24, उसमें से ऑड वाला सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो इवन वाला मिल जाएगा क्या? ऑड वाला टोटल ऑड कितना है 24, ऑड में से टोटल कितना है 24, उसमें से 6 क्या है ऑड है, ऑड अगर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको मिल जाएगा क्या 18? क्या गया? ओके अब यहाँ लगा गया, फिर क्या लिखा है मल्टीपल ऑफ टू का मतलब क्या हुआ? टू आप बाहर निकाल दो, एक टू बाहर निकाल दो, टोटल कितना है 2 के पावर 3 इंटू 2 का 3 का स्क्वायर इंटू 5, एक टू बाहर निकालोगे तो 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5 यही बचेगा क्या? इसको करना है कैंसिल आउट तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 2 प्लस 1 एंड 1 प्लस 1 कितना हो गया 18 हो गया क्या? 3 इंटू 3 9 इंटू 2 18 हो गया। अब नेक्स्ट क्या निकालना है? मल्टीपल ऑफ 9 निकाल, मल्टीपल ऑफ 9 क्या हो जाएगा? तो 9 का 3 स्क्वायर हो गया। हम लोग टोटल कितना है हमारे पास 2 के पावर 3 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5, 3 के पावर 2 कॉमन लोगे तो 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 0 इंटू 5 बचेगा, ये तो पूरा कैंसिल आउट कर दोगे तो क्या बन जाएगा 3 के प्लस 1 0 प्लस 1 एंड 1 प्लस 1। तो वैल्यू फाइनल कितना आ जाएगी 3 प्लस 1 4 1 प्लस 1 2 4 2 8। समझा क्या? टोटल फैक्टर मिल गया क्या 6 18 18 18 राइट, उसे आप लोगों ने सभी लोगों ने मिलके आंसर दिया है फाइनल आंसर, ये आया फाइनली क्या है सेम है। समझा क्या? क्लियर? डन सर। डन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आपको, डन हो गया आपने। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर एंड मल्टीपल ऑफ 5 एंड मल्टीपल ऑफ 5 ऑफ 600, मल्टीपल ऑफ 5 of 600, multiple of 5 of 600,
टोटल फैक्टर आया आपका, एक मिनट, टोटल आ गया 24 इवन 12 ऑड 6 16। और किसी का आया है? कितना 600 का है ना, राइट है ना। देखो क्या कर लेंगे, पहले 600 का हम लोग टोटल फैक्टर निकाल, तो क्या आ जाएगा 6 × 100 ऐसे फैक्टर किया, ठीक है ना, नेक्स्ट फैक्टर जल्दी होगा नहीं। तो इसको करोगे तो कितना आ जाएगा 2 × 3, इसको करोगे तो 25 × 4 हो जाएगा। अब 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, या 2 का स्क्वायर है या 2 के पावर 1 है, क्या होगा 2 के पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 का स्क्वायर, क्लियर क्या। अब हम लोग निकालना शुरू करते हैं, टोटल पहले निकालेंगे 3 + 1, 1 + 1 and 2 + कितना होगा 3 + 4 + 2 = 8, 8 + 3 = 24, ये राइट। ठीक है, बोला है आपको इवन फैक्टर, इवन इवन क्या करोगे, 2 बाहर निकाल दो, 2 बाहर निकालेंगे 2 के पावर 2 × 3 × 5 स्क्वायर, राइट है ना। इसको कर देते हैं हम लोग टाइम चलाओ, क्या आ जाएगा 2 + 1, 1 + 1, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 × 3, आपका कुछ चेंज आ रहा है, और उसे भी 6 + 12 = 18 ही हो रहा था, यानी यहाँ पे कितना हो रहा है 18। और निकालने की जरूरत है क्या, नहीं, आप डायरेक्ट क्या कर लो माइनस कर लो, या इसी को कैंसिल आउट कर दोगे ना 2 के पावर 3 को, तो यहाँ पे 1 + 1 = 1 हो जाएगा, तो 3 × 2 = कितना होगा 6, और कितना हो जाएगा टोटल है 24 - 18, इतना कितना हो गया। फिर क्या बोला, मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 मल्टीपल ऑफ 5 बोला है ना, 5 का मल्टीपल मतलब क्या है, 5 को पावर तो 1 ही होगा, तो वही तो बाहर निकालना है आपको, तो क्या होगा 5 कॉमन ले लोगे तो क्या होगा 2 के पावर 3 + 3 × 5, ये 5 कैंसिल आउट हो गया, क्या हो गया 3 + 1, 1 + 1 and 1 + क्या होगा 3 × 2 = 6, 6 × 2 = कितना होगा 12, ये 16 कैसे आया। अच्छा 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 4 × 2 = 8 नोट कर लो, ऑनलाइन सभी को समझा गया। हाँ सर। ओके, हो जाए तो बताओ। हो गया, अब सम ऑफ फैक्टर निकाल, फैक्टर्स का सम निकाल, कैसे निकालेंगे देखो, क्या हमने 36 लिया, ये 36 के फैक्टर, इनका सभी का सम है। अच्छा ये हम फैक्टर है तो यहाँ पर कॉमा आएगा, बार बार मल्टीप्लाई कर रहा है, ये भी हमारा मिस्टेक है, ठीक है ना, बहुत बड़ा मिस्टेक है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ये कॉमा है यहाँ पे, मल्टीप्लाई नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हम बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे थे, बड़े ध्यान देने वाले भाई, दिमाग में तो हम लोग ये था फैक्टर था तो बहुत बड़ा इशू है नहीं, ठीक है, तो बोर्ड का एग्जाम भी नहीं देना, ठीक है, इसके फाइनल आंसर मतलब है। अब इन सबका फैक्टर का सम निकालेंगे, तो फैक्टर का सम कैसे निकालेंगे, देखो 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 9 + 12 + 18 + 36 बताओ कितना,
ऐड कर लो, यहाँ पे क्या है 18 और 12 नहीं, चलो इनको ऐड कर लेंगे, ऐड कर लेते हैं, देख लेते हैं अभी, वेरीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा कुछ दूसरे तरीके से, क्योंकि अदरवाइज इतना हम लोग करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम, लेकिन फिर भी एक बार करके देख लेते हैं राइट में। तो ये तो जनरल मेथड है ना, एकदम बेसिक है। देखो क्या होगा, 6 + 8 कितना होगा, 14 + 2 कितना हो जाएगा, 16 + 9 कितना हो जाएगा, 25 + 6 कितना हो जाएगा, 31 + 4 कितना हो जाएगा, 35 + 3 कितना हो जाएगा, +2 कितना होगा, 40 + 1 कितना हो जाएगा, 41। 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5 + 9 कितना आ जाएगा, 9 and 90। टोटल ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ गया 90। ये टोटल इसका फैक्टर है, ठीक है ना। अभी हम लोगों ने प्राइम फैक्टर किया था, 36 का क्या आया था, 2 के पावर 2 × 3 के पावर। तो सम ऑफ फैक्टर निकालना है आपको, क्या कर, देखो हम लोग क्या करते हैं, 2 के पावर 2 है लेकिन इंटू 1 वाला फैक्टर लिया है क्या हम लोगों ने, प्राइम 1 भी तो प्राइम फैक्टर होता है, लेकिन लिया है क्या, नहीं लिया, फिर 2 के पावर 0 रहे, हम लोग क्या कहेंगे, 2 के पावर 0 + 2 के पावर 1 + 2 के पावर, कितना तक जाएंगे, कितना तक जाएंगे, इसका मैक्सिमम पावर 2 है ना, तो 0 से लिखेंगे, 0 2 के पावर 1 2 के पावर, ये तो लिखना ईजी है ना, क्योंकि तो हमें आता है। इसको भी क्या लिखेंगे, 3 के पावर 0 + 3 के पावर 1 + 3 के पावर, तो वैल्यू ऐड कर देते हैं, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 1, ये हो गया 3, ये हो गया, तो वैल्यू क्या होगा, 4 + 2 कितना आ गया, 9 हो गया, हाँ ये 7 हो गया ना, आइए क्या हुआ, 9 + 3 = 12 + 1 = 13, 13 × 7 जा कितना होता है, 91, यानी दोनों सेम आ गए, समझा क्या। अब हर एक फैक्टर का ऐसे ऐड करना पॉसिबल है क्या, नहीं, तो फैक्टर निकालना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो टोटल फैक्टर निकालने के लिए खुद ही कुछ वही बात है कि हमारे पास तो खुद ही पैसे नहीं, हम तो किसी अदर का हेल्प ले रहे हैं, तो उधारी मांगने वाला कोई आ गया है, ठीक है, तो हम उसको कहाँ से देंगे, हम तो खुद ही फंसे पड़े हैं, तो यहाँ पे ऐसे ही है, हम तो खुद ही टोटल फैक्टर निकालने के लिए हम लोग कुछ ना कुछ मेथड यूज कर रहे हैं, उसी में सम करने के लिए आ गया, ऐसे टोटल सम निकालना मतलब टोटल फैक्टर निकालेंगे, और टोटल फैक्टर निकालना ही पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग सम कहाँ से निकालेंगे, तो इससे बेटर ये होगा कि ये निकालना हमारे लिए ईजी होता है, इसमें इतना करने का मैक्सिमम पावर 9 तक जाएगा, इससे ज़्यादा तो आएगा नहीं, इतना बड़ा नंबर भी नहीं लेगा, किसी नंबर के पावर 2 के पावर 9 है, समझा ना, इतना बड़ा नंबर नहीं है, क्लियर हुआ क्या सभी को, कैसे सम ऑफ फैक्टर निकालोगे आप लोग, समझा क्या स्टूडेंट। यस सर। ओके, नोट कर लो क्वेश्चन। जब है ही नहीं, तू है ही नहीं थी, बनाया नहीं, मैंने बताया था ना कि प्राइम फैक्टर में बस एक सिंगल नंबर होता है 2, जिसका हम लोग एक सिंगल इवन नंबर होता है जो 2, अदर कोई इवन नंबर नहीं होता है। आप लोगों को पता होगा कि ऑड नंबर का ऑड नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है, ऑड का, तो जब इवन आएगा ही नहीं तो इवन मल्टीपल कहाँ से मिलेंगे, यानी उसके मल्टीपल ही 0 हो जाएंगे, समझा कंसेप्ट, हो गया क्वेश्चन, नहीं जो पूछ सकता है, तो एक्सेप्शन हो गया था, माइंड में आना बहुत लोग, जैसे आप ही फंस गए, आपके दिमाग में आ रहा है, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं उनके दिमाग में, अरे इसका फैक्टर क्या होगा, हमें यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, ऑड इनटू ऑड का फैक्टर है, इतना डिप में जाना थोड़ा सा मुश्किल सा होता है, जल्दी कोई जाता नहीं, तो दैट पैटर्न पे जाता है कोई,
मैं इसीलिए बोलता हूँ पैटर्न पे मत जाओ, पैटर्न के साथ साथ आप चीजों को भी देखो, ये हो क्यों रहा है, ऐसे ही क्यों कर रहे हैं, कुछ और क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उसका रीजन है। तो इसलिए हर एक रीजन बताता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो आपको कि अगर ये क्वेश्चन कुछ अदर तरीके से आ गया तो आप छोड़ के आ जाओ, अरे हमें तो इतना ही पढ़ा गया, आप खुश भी रहोगे, हाँ ऐसा क्वेश्चन तो बताया गया लेकिन हमने किया नहीं, बट ऐसा क्वेश्चन से मतलब नहीं है ना, फैक्टर हमने पढ़ा दिया, अब फैक्टर से तो बहुत टाइप है, इवन ऑड भी आ गया, ठीक है, अब यहाँ पे सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर, हमने तो सम ऑफ फैक्टर निकाल दिया, आपको भी लगा हाँ नहीं सर तो सम ऑफ फैक्टर निकाले थे, लेकिन इवन फैक्टर ऑड फैक्टर सम का निकाला ही नहीं था, आपको तरीका नहीं मालूम तो कैसे निकालोगे, छोड़ के आ जाओगे, ठीक है, आपको क्या दिमाग में रहेगा सर ने पढ़ा था, लेकिन आपको ये आइडिया ही नहीं है सर ने कम पढ़ाया था, ऐसी प्रॉब्लम आती है। जब आप उस लेवल पे जाओगे फिर से आप इसको पढ़ोगे या पढ़ाओगे तो आपको समझ हाँ यार वहाँ पे हमारे साथ ऐसा हुआ था, मैं साथ ही एक चीज जो नहीं पढ़ाया गया था जिसकी वजह से ऐसा हुआ, तो वो चीजें जो हमारे पर नॉलेज आती है सब सुन, क्वेश्चन लिखो दो, फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ, फाइंड द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 196001 600 कितना आ रहा है 196001 196001 ऑनलाइन भी अलग ही रिप्लाई करें, थोड़ा सा उनको समझ आ रहा है कि नहीं, समझ आ रहा है तो क्वेश्चन का आंसर दें थोड़ा, ये सब सिंपल टॉपिक चल रही है, एडवांस मैथ में नंबर सिस्टम सिंपल टॉपिक होता है, ऐसा होता है कि जस्ट इससे फैमिलियर होते हैं। बहुत बड़ा आ रहा है, पेज में तो आ जाएगा ना, आया किसी का ऑनलाइन तो देख लेते हैं, तो कितना बड़ा मल्टीप्लिकेशन, तो सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन 31 × 57 ना, ये 31 × 31 × 57 अभी बड़ा नंबर देखते हैं, तुम देखो साथ से आ जाए नंबर तो बड़ा ही है, सब इतना आ रहा आपका तो मल्टीप्लाई करने के बाद 196001 से ज्यादा आए थे 196001 ना, इसको क्या कर सकते हो 196 × 100 ये कितना 14 का स्क्वायर होता है क्या 196 14 का स्क्वायर होता है ना, ये 14 का स्क्वायर ये क्या होता है 25 × 0 आई थिंक 14 का स्क्वायर मतलब क्या होगा 2 का स्क्वायर × 7 का स्क्वायर राइट ना, 2 × 7 करेंगे 2 का स्क्वायर × 7 यहाँ पे होगा 2 का स्क्वायर × 7 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर × 2 का स्क्वायर
तो फाइनल क्या बन गया उसके पास, 2 के पावर 4, 5 के पावर 2 एंड 7 के पावर. अब क्या सम ऑफ फैक्टर्स बोला, तो सम ऑफ फैक्टर्स क्या लिखेंगे, 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3 प्लस 2 के पावर 4, 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 प्लस 5 के पावर 2, 7 के पावर 0 प्लस 7 के पावर 1 प्लस 7 के पावर 2. तो यहाँ पे क्या होगा, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 5 प्लस 25, यहाँ पे होगा 1 प्लस, तो कितना हो गया बेटा, ये 31 आ रहा है. ओके 31 हो गया, इसका 31 ही आएगा ना, इनटू इसका तो 31 आएगा, ऐसा कितना आएगा 57. हाँ मल्टीप्लाई कर दो सर, वो सेकंड स्टेप फिर से बताइए ना. सेकंड स्टेप ये वाला. हाँ सर, ये 2 का 0 2 पावर 0 1 हो गया, 2 के पावर 1 2 हो गया, 2 के पावर 2 4 हो गया, 2 के पावर 3 8 हो गया, 2 के पावर 4 कितना हो गया 16 हो गया, 5 का 0 1 हो गया, 5 के पावर 1 5 हो गया, 5 पावर 2 25 हो गया, 7 के पावर 0 1 हो गया, 7 के पावर 1 7 हो गया, 7 का स्क्वायर 14 हो गया. समझा क्या लोगों ने, इसका क्या कर लेंगे ऐड, कितना मल्टीप्लाई करना है 54 इक्वल से, समझ में आया क्या, समझा क्या आप लोगों ने, यानी काफी बड़ा सा क्वेश्चन कर लिया है, कोई टेंशन नहीं, इससे बड़ा क्वेश्चन अभी नहीं, 540 नहीं आया हुआ है, एक बार मैच करा लो, या हम लोगों का कहीं गलती है तो भी बता सकते. 10 कम से कम बन गए, समा फैक्टर ज्यादा आता है, ये दो क्वेश्चन बनना होगा समा फैक्टर से देगा, ऐसे से देगा, जिसका कंसेप्ट मैक्सिमम लोगों को नहीं रहता है और लोग छोड़ के ही आएंगे. ठीक है चलो, एक और क्वेश्चन लिखोगे क्या आप लोग इसका, चलो एक और इसी का क्वेश्चन लिखो, फाइंड द सम ऑफ फैक्टर ऑफ 4200, फाइंड द सम ऑफ फैक्टर ऑफ 4200, इसका भी करो, फाइंड द सम ऑफ फैक्टर ऑफ 4200. किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है,
कितना आया? 4200 है ना, तो 42 इंटू क्या करोगे, 100 कर लोगे, ये क्या हो जाता है, 42 कितना होता है, 21 टू जा, ये क्या होगा, 25 इंटू 2, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 3, और यहाँ पे क्या होगा, 3 के पावर 1 इंटू 7 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 2, मिल गया, सम ऑफ फैक्टर निकालो, क्या होगा, 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3, 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1, 7 के पावर 0 प्लस 7 के पावर, 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 प्लस 5 के पावर 2, क्लियर, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, 1 प्लस 3, 1 प्लस 7, 1 प्लस 5 प्लस 25, राइट है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 8 और 4 कितना, और 12 प्लस 3 कितना, और 15, 3 प्लस 1 4, 1 प्लस 7 8, ये कितना हो गया 31, ये कितना 15 4 जा 60 इंटू ये कितना हो जाएगा, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 6 से मल्टीप्लाई करते, 8 6 जा कितना हो जाएगा 48, 8 4 जा 6 4 जा 24, 24 और 4 कितना 28 हो जाएगा, 6 2 जा 12, 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा 14, समझा क्या, हाँ हाँ चलेगा, बस है, गुड नाइट। हो गया ना ऑनलाइन सर, एक सम ऑफ ओके, ये तो अच्छा, तो आप तो नहीं ग्लास तो लगाए हो, तो हरी सब्जियां खाओ, हाँ तो हरी सब्जियां को ज्यादा यूज करो, डन सर, आप समझ रहे हो, बहुत प्रॉब्लम है अभी जाके, अभी शादी तो नहीं हुई है ना, हाँ अभी नहीं हुई, अभी इसमें नहीं, तो इसीलिए कर रहा हूँ मैं, इसीलिए, चलो देखो 36 है ना, अब 36 में हमने क्या किया था, 1 into 2 into 3 into 4 into 6 into 9 into 12 into 18 into 36, कुछ छूटा तो नहीं, कुछ छूटा तो नहीं है ना, हाँ एक कुछ छूटा तो नहीं है ना, सारे फैक्टर तो लिख दिया ना, सारे फैक्टर्स तो ले लिया ना, अब हमने यहाँ पे 36 का फैक्टर जब किया था 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर, इवन फैक्टर निकाला है, सम ऑफ फैक्टर जब निकाल ले हमने, तो देखो क्या लिख रहे हैं, 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर, यहाँ 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर, इवन फैक्टर मतलब क्या है, कि ऑड नंबर नहीं आना, 2 के पावर 0 मतलब कितना होता है, ये जब भी आपने अभी दो क्वेश्चन किया ऑब्जर्व किया होगा, 2 के पावर जब भी ऐड किया होगा ना, तो हमेशा ऑड नंबर मिला, राइट है ना, इसका मतलब इसकी वजह से ये ऑड हो रहा है, इसको हटा दो, ये प्रॉब्लम क्या है, यही ऑड दे रहा है ना, इसको हटा दो, अब क्या बन गया यहाँ पे, 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2, यहाँ बन गया 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर, क्या हो गया 2 प्लस 4, 1 प्लस 3 प्लस 9, 4 प्लस 2 6,
हाँ टू का इवन तो उसी से मतलब होता है ना, इवन तो टू ही डिसाइड करता है ना, अगर थ्री कहाँ डिसाइड, ये क्या हो जाएगा, ए ट्वेल्व और थर्टीन हो जाना, तो थर्टीन सेवन थर्टी सिक्स जा, थर्टीन सिक्स जा सेवेंटी एट, अगर किसी को नहीं याद है ना तो सिक्स से मल्टीप्लाई भी करते तो आप लोग फटाफट थर्टीन वन या थर्टीन थर्टीन फिर वो भी अगर टेबल इंग्लिश में नहीं आता है आपके हिंदी में पढ़ने लगे देते हैं छब्बीस तो उसमें ज्यादा कंफ्यूजन कभी आता ना तो इसमें इसको डायरेक्ट सिक्स थ्री या एटीन सिक्स वन या सिक्स प्लस इतना अगर आपको टेबल नहीं है तो इतना फास्ट कैलकुलेशन होना चाहिए कि आपको फील ना हो कि हमको थर्टीन का टेबल नहीं आ रहा है, क्योंकि थर्टीन का टेबल फील हो रहा है ना तो कैलकुलेशन में थोड़ा डिले होगा, डिले मतलब क्या होगा लॉस होता है, ठीक है ना। तो सम ऑफ इवेंट फैक्टर कितना गया 70, यहाँ पे इवेंट फैक्टर क्या आ जाएंगे, इवेंट फैक्टर 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस कितना आ जाएगा 12, देखो यहाँ पे 12 और 6 कितना आ जाएगा 18, 18 टू जा 36, 36 टू जा 72, 72 प्लस 4 कितना हुआ 76 प्लस 2 कितना हुआ और भी बताएंगे कहीं नहीं बताएंगे, क्वेश्चन ये और फैक्टर भी यही बता दू क्या खत्म हो जाएगा, इवन फैक्टर सभी ने समझा ना, नोट कर लो तो और फैक्टर कर लेते अब हमने क्या किया है सम ऑफ इवेंट फैक्टर निकाला ना, तो हम लोग क्या लेते हैं सम ऑफ इवेंट है सम ऑफ ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर अच्छा ऑड है इवेंट किसकी वजह से होता है टू वाला फैक्टर, तो हम लोग जब इवेंट फैक्टर निकाल रहे थे टोटल तब भी हम लोग टू का पावर सीधे कैंसिल आउट कर देते थे, यहाँ पे भी कैंसिल आउट पूरा, हाँ एंड टू के पावर थ्री इससे कोई मतलब ही नहीं, बस इससे मतलब ये पूरा फिनिश हो गया क्या, ये पूरा फिनिश हो गया और कितना आ गया 30, ऐड करके देखो 13 आ रहा है, आ रहा है क्या नहीं आ रहा है तो उसे भी ऐड किया था कितना 91 आया था ना, 91 में से 78 सबट्रैक्ट हो गए तो 30 नहीं आए, समझा क्या, क्लियर हुआ, नोट कर लो ऑड फैक्टर वाला से देन 2 के पावर वाला सीधे क्या हटा दोगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में भी हटा दे रहे हो आप, असम आप फैक्टर में भी टोटल पावर क्या कर दे रहे हो आप रिमूव कर दे रहे हो, समझा क्या आप लोगों ने,
हो गया. फाइंड द सम ऑफ फैक्टर, फाइंड द सम ऑफ फैक्टर्स, फाइंड द सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ इवेंट फैक्टर्स, सम ऑफ इवेंट फैक्टर एंड सम ऑफ ऑड फैक्टर्स एंड सम ऑफ ऑड फैक्टर ऑफ 124 ऑफ 124. सर फिर से रिपीट करें. Find the sum of factor, find the sum of factor, sum of even factor, sum of even factor, sum of odd factor, sum of odd factors of 120, of 120. हो गया. टोटल कितना आ रहा है? 1.0 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है. अरे किसी की पावर अगर जीरो रहता है ना तो उसकी वैल्यू ऑलवेज वन. किसी के भी पावर वन होता है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होती है? वन. किसी भी नंबर हो, कई अलजेब्रा फंक्शन हो, उसके पावर अगर जीरो तो उसकी वैल्यू वन होती है. वन के पावर जीरो नहीं करेंगे मतलब? सेवेंटी वन के पावर जीरो प्लस 71 के पावर वन. जैसे करते हो ना अमल करने. टोटल 224. और किसी आज फैक्टर हम लोग को फिनिश कर लेना, आज हो जाएगा. आपका कितना है? हो सकता है इनका कुछ और आ रहा होगा. ऑनलाइन में किसी का सर सम ऑफ फैक्टर 144 मिला. 144 सम ऑफ फैक्टर मेरे को तीन आंसर. सम ऑफ फैक्टर 144. आपका कितना है? नहीं पता नहीं. इनका 22 आपका 224 इधर. हाँ सर इवन 12 आया है. इवन 12 आया
सम ऑफ ऑल 24 आया और नहीं तो सम ऑफ इवन अगर इतना है सम ऑड है इन दोनों का सम इतना हो ही नहीं रहा तो इसका मतलब कहीं तो मिस्टेक है इवन आया तो आपका कितना 192 और 34 नहीं हाँ ये मैं देखते हैं कुछ तो सही कर ठीक है कितना 124 है ना तो पहले फैक्टर करो तो 4 3 4 3 31 आ रहेगा इसका मतलब 2 का स्क्वायर इनटू 31 आ रहेगा राइट है ना तो बस सम ऑफ फैक्टर निकाल लो सम ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 31 के पावर 0 प्लस 31 के पावर 1 ये कितना हो गया 4 प्लस 2 6 प्लस 1 कितना हो गया 7 इनटू यहां पे हो गया 32 गया तो 7 4 7 14 7 3 21 और 224 224 राइट सम ऑफ इवन इवन एक 2 बाहर निकाल लेते हैं इसका तो क्या आ जाएगा 2 के पावर 1 प्लस 31 तो क्या होगा 1 और क्या हो जाएगा सॉरी सम निकालना है ना 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 लिखेंगे और यहां पे क्या लिखेंगे 31 के पावर 0 प्लस 31 ये लिखेंगे ना तो ये कितना होगा टोटल 3 और ये कितना हो गया 32 वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया ना अच्छा 2 के पावर 0 हां मैं क्या कर दूं यहां 2 के पावर 2 है ना तो यहां पे क्या हो जाएगा 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना होगा 2 2 जा 4 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा 6 2 जा कितना होगा 12 और 6 3 जा 18 और 1 कितना 192 राइट है ऑड ऑड को तो क्या कर दो इसमें सबट्रैक्ट भी कर सकते हो और ये पूरा टर्म ही कैंसिल होगा 2 के पावर 2 इनटू 31 के पावर 1 ये तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या होगा 31 के पावर 0 प्लस 31 के पावर ये हो गया 32 राइट ये लास्ट ऑप्शन तीनों कह रहे समझा क्या आप उन्होंने कैसे करना है क्या करना है चलो एक क्वेश्चन और फाइंड द सम ऑफ फैक्टर फाइंड द सम ऑफ फैक्टर सम ऑफ इवन फैक्टर सम ऑफ इवन फैक्टर सम ऑफ ऑल फैक्टर सम ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 360 of 360
तो हम ऑफ फैक्टर कितने हैं? सम कितना है? 120 सिर्फ सम आएगा टोटल, क्योंकि उससे तो ज्यादा आएगा ना, 360 से तो ज्यादा ही आएगा। अभी तक तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका सम आप फैक्टर निकालो तो उससे कम आया हो, सभी का तो उससे ज्यादा ही आया ना, किसका कहाँ कम आया। नंबर 360 है। ऑनलाइन किसी का हुआ क्या? सर 690 सम आया है। इस सम आपका 690 है ना? आया? हाँ फंस गए थे। चलो देखो, देखते हैं। देखे 360 ना, इसका फैक्टर हमने प्राइम फैक्टर किया था, ये क्या आया था? 2 के पावर 3 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5:1 है। आप लोग एक बार किए हो देख लो, सेम टू सेम आए। ठीक है, मैं करके नहीं दिखता था। ठीक है, बोला सम ऑफ फैक्टर ना, तो सम ऑफ फैक्टर कितना हो? ठीक है, 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर ठीक है, यहाँ पे 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर ये आएगा ना। तो वैल्यू क्या आएगी देखो, यहाँ 2 के पावर 0 1 2 4 8 1 3 9 1 वैल्यू क्या आएगी? तो ये 15 हो गया इंटू 13 हो गया क्या इंटू 6 होगा, तो 56 जा कितना होगा? 90 इंटू 39 जा कितना होता है? 11 7 13 7 जा, अगर नहीं तो 130 होता है 10 से 13 सब्सक्राइब करो तो 117 आए, 117 ये किसी का तो आया है। ये क्या 117 टोटल फैक्टर आ गया 117, ठीक है ना, किसी का है। इवेन बताओ, इवेन सम ऑफ इवेन फैक्टर, सम ऑफ इवेन फैक्टर तो क्या हो जाएगा? ये सेम हो जाएगा
हट जाएगा क्या कर देंगे, तो 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3, 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2, और यहाँ पे हो जाएगा 5:0 प्लस 5:2, मिलिए ना, ये तो कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या बच गया। अच्छा यार इवन से ज्यादा अच्छा ना नो और लग रहा है, हम डॉट सबट्रैक्ट कर लेंगे ना, क्यों इतना वर्कआउट, समझ रहे हो क्या, एक्स्ट्रा में वर्क क्यों होता है, स्मार्ट वर्क करते हैं ना, यहाँ पे और निकाल लो, और निकालना जल्दी है ना, पूरा 2 का पावर ही खत्म, राइट है ना, तो यही बचेगा, तो ये कितना बचेगा आपके पास, 13 × 6 कितना होता है 70, ये अब इसमें 70 सबट्रैक्ट कर दो, तो ये हो गया इवन, ऑड हो गया, ऑड इवन फैक्टर क्या हो जाएगा, सम ऑफ इवन फैक्टर 1170 माइनस 78 कितना आया 109, बस मैं इतना छोटा कैसे आ सकता है, समझा गया, चलो अब मल्टीपल ये नोट कर लो, अब तो मल्टीपल कुछ और देखते हैं इसका, जैसे हम लोगों ने अभी मल्टीपल किया ना, मल्टीपल फैक्टर टोटल नंबर ऑफ मल्टीपल फैक्टर निकालना है, जैसे 4 का मल्टीपल फैक्टर टोटल निकाला, अब हम कहते हैं चलो 4 के जितने मल्टीपल उनका सम निकाल, तो कैसे समझा गया, नोट कर लिया आप लोगों ने ऑनलाइन भी, नोट कर लिया आप लोगों ने, ओके ओके, देखो हम लोग क्या करेंगे, जैसे 36 है, 36 का भी फैक्टर किया था 1 × 2 × 3 × 4 × 6 × ये बार बार इंटू है ना, ये स्पीड भी इतना ही है, ठीक है ना, 9 × 3 = 12, 18 and 30 यही है ना, कुछ छूट तो नहीं रहा, मेरा तो छोटा होता जा रहा है, हाँ वो ठीक है ना, 36 हो गया ना, हमें करना क्या कि सम ऑफ फैक्टर ऑफ मल्टीपल ऑफ 4, राइट है ना, पहले 36 कर, 36 का मल्टीपल क्या है 2 × 3 × 4, अब 4 के मल्टीपल का था, 4 का पहले प्राइम फैक्टर मल्टीपल ऑफ सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 2, ये क्या होगा 2 का स्क्वायर होगा ना, तो आपको क्या करना है यहाँ पे उस नंबर से स्टार्ट करना जो यहाँ पे मैक्सिमम पावर हो, मैक्सिमम पावर कितना है 2 से ना, हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, जैसे यहाँ पे 2 के पावर 0, 2 के पावर 2, 1, 2 के पावर 2 कर देते ना, तो हम लोग 2 को कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 के पावर 2 से स्टार्ट करेंगे, 3 वाला जैसे है वैसे, समझा गया, समझा गया, तो मल्टीपल ऑफ 4 क्या हो जाएगा, देखो 2 के पावर 2 से स्टार्ट करेंगे क्या होगा 2 के पावर 2, अब प्लस तो और कुछ है ही नहीं, तो ही रहेगा प्लस, यहाँ पे क्या होगा 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर, समझा गया, यहाँ पे कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 9 × 3 = 12, 12 × 3 कितना हो जाएगा 12 + 3 = 15 होगा ना 16, समझा कैसे निकला हम लोगों ने, फिर से बताता हूँ, देखो क्या किया, जो भी आपका मल्टीपल बोल रहा है उसका मल्टीपल का प्राइम फैक्टर निकाल लो, उस प्राइम फैक्टर का जो भी मैक्सिमम पावर है ना उस पावर से इसको काउंटिंग करना, जैसे यहाँ पे 2 के पावर 2 है, यहाँ पे 2 इसका मल्टीपल का जो पावर है कितना 2 के पावर 2 है, तो 2 के पावर 2 से आगे के सारे नंबर, समझा क्या, तो 2 के पावर 2 के आगे के नंबर क्या है 2 के पावर 2 ही है, ठीक है ना, 2 के पावर 2, इसके अलावा कोई नंबर है क्या, नहीं है, छोड़ देंगे 2 के पावर 3, यहाँ पे है क्या, नहीं है, 3 को जैसा है वैसे ही,
समझ में आया क्या? इसका जो भी फैक्टर होगा इसके मैक्सिमम पावर से यहाँ से स्टार्ट, मैक्सिमम पावर। जैसे यहाँ हमारा 2^1 रहता, हम लोग क्या लिखते हैं 2^1 + 2^2 लिखते, 2^0 नहीं लिखते, समझा क्या? क्लियर हुआ? ये कितना होगा 60। यहाँ पे देख लो मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 कितना होगा 4 + 18 + 12 + 36, कितना हो गया 6 + 2 8 + 8 16 + 4 20, 3 + 1 4 + 1 5 5 + 2 7 मल्टीपल ऑफ 4 तो कहां है, मिस्टेक आ गया, सम ऑफ फैक्टर ऑफ द मल्टीपल ऑफ 4 ये 3 × 9 9 + 3 कितना होगा 12 52। ये कितना हो रहा है 52, क्योंकि ये हमारा कितना आ रहा है 70 आ रहा है। अच्छा हाँ 18 तो है ही नहीं, हम एक्स्ट्रा क्यों है? अब देखो 6 + 2 कितना हो गया, 6 + 2 8 8 + 4 कितना हो गया 8 + 12 हो गया ना, और यहाँ पे 3 + 1 4 + 1 कितना होगा 5। ऐसा मिस्टेक कैसे आ रहा है, जब हम सब कुछ कैलकुलेशन ही मिस्टेक करेंगे तो आप मिस्टेक आना ही, समझा क्या आप लोगों ने कैसे करना है? सर वो फिर से बताए ना, मेरा रॉन्ग आ रहा है। हमने क्या किया कि यहाँ पे जो भी 4 का मल्टीपल बोला है ना, तो 4 का हम लोग क्या कर लेंगे प्राइम फैक्टर कर लिया 2^2। अब यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू से हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो हमने मैक्सिमम वैल्यू कितना है 2^2 है, 2^2 से स्टार्ट किया। यहाँ पे 3 नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही लिखेंगे, अगर रहेगा तो हम लोग वहां से मिनिमम स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं है तो कोई बात नहीं, उसको ऐसे जैसे लिखते हो वैसे ही लिखेंगे। तो हमने 2^2 से स्टार्ट किया, 2^0 और 2^1 को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। और 3 के यहाँ पर 3 का मल्टीपल नहीं है तो 3^2 को प्रॉपर लिखा, मल्टीप्लाई किया, ये हम लोग 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, हट जाएगा, पूरा हो जाएगा, 3^0 बचेगा ना, 3^0 क्या ना, 3 पूरा हट जाएगा ना, 3^2 तो पूरा हट जाएगा ना, तो क्या बचेगा बस 2^2 बचेगा, तो क्या होगा 2^0 2^1 2^2 हो जाएगा, तो कितना होगा 2 × 4 + 2 + 6 + 1 7 ऐड करके देख लो 9 का मल्टीपल 7 आएगा। हाँ अच्छा 3 का स्क्वायर ना, हाँ सॉरी 3 का स्क्वायर रहेगा, सिर्फ 3 का स्क्वायर रहेगा, ये पीछे वाला टर्म दोनों हट जाए, हाँ 0 और 1। ऑनलाइन आपका क्या प्रॉब्लम था, आपको क्लियर हुआ क्या? हेलो हाँ सर क्लियर। क्वेश्चन सॉल्व, फाइंड द सम ऑफ ऑल फैक्टर, फाइंड द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स मल्टीपल ऑफ, फाइंड द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स मल्टीपल ऑफ 140, मल्टीपल ऑफ 140 ऑफ 1960
डबल जीरो हाँ फाइंड द ऑल मल्टी फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल ऑफ 140 ऑफ नंबर 196 00 196 00
सर वॉइस नहीं आ रही है। ओके हमें क्या निकालना है यहाँ से, मल्टीपल ऑफ किसका निकालना है, 140 का, 140 का भी फैक्टर कर लो तो कितना 2 के पावर 2 इनटू 7 इनटू 5 आएगा, राइट है। चलिए अब यहाँ से अगर फैक्टर हमें निकालना है, इसका फैक्टर ही निकालना है तो निकाल लेते हैं। तो सम ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 140 तो क्या हो जाएगा, देखो 2 के पावर 2 से हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3 प्लस 2 के पावर, क्लियर। फिर यहाँ पे 7 के पावर 1 से स्टार्ट करेंगे, 7 के पावर 1 प्लस 7 के पावर 2, 5 से 5 के पावर 1 प्लस 5 के पावर 2, ये आएगा क्या, ये कितना हो गया 4 8 7, बोलो बोलो। अच्छा आ गया समझ, ये 28 हो जाएगा, ये 56 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, तो बताओ कितना आ जाएगा, 28 into 0 16, इसका मल्टीप्लाई करो 28 into 6, नहीं हमने तो उसको हटा देते ना, ये जो इसका आता था, ये जो मैक्सिमम पावर ना, इसको मिनिमम पावर से स्टार्ट करते हैं। इसके पहले कहाँ से स्टार्ट कर देते थे, 0 1 2, हम लोग क्या कर रहे हैं उसी को रिमूव कर दे रहे हैं, बाकी वहां से स्टार्ट कर। हो गया यस सर, हो गया ना, नोट कर लिया तुमने। तो टेस्ट मैसेज कोई नहीं देखता है, अभी बैंक का डिटेल आ जाए, देखो n इज इक्वल टू 4 11 12 13 14, इफ n इज इक्वल टू 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 4 के पावर, देख नंबर है, इफ एन इज इक्वल टू नंबर है, हाउ मेनी पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ, हाउ मेनी पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ एन, हाउ मेनी पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ एन, एन के कितने फैक्टर्स होंगे, अरे वही फैक्टर्स जो निकाल दो, पॉजिटिव ही आ रहे थे ना, क्या नेगेटिव निकाला क्या हमने, या पॉजिटिव डाल के कंफ्यूज कर दिया, उससे क्या करना है, हाँ 4 के पावर, ये नंबर है, एन इज इक्वल टू ये नंबर है, ये पूरे नंबर का कितने फैक्टर्स आएंगे ये आपको,
किसी का आए तो बताए। बताओ ब्रो कितना आ रहा है? इतना बड़ा फैक्ट है, टोटल नंबर ऑफ फैक्ट है बताना, इनका सम थोड़ी बताना, ये तो नंबर है। इस टोटल, इस नंबर का टोटल नंबर ऑफ फैक्ट है इतने होंगे, जैसे हम निकाल दो, मुझे निकालना तो पहले नंबर फाइंड आउट देखो कैसे करेंगे। हम लोग यहाँ से 4 के पावर 12 कॉमन लेते हैं, कोई प्रॉब्लम है? 11 तो 4 के पावर 11 यहाँ पे 1, 4 के पावर 1, 4 के पावर 2 और 4 के पावर ए आया क्या? अच्छा इसका प्राइम फैक्टर हमें चाहिए होता है ना, जो नंबर होता है उसका प्राइम फैक्टर चाहिए होता है, इसको क्या करेंगे 2 का स्क्वायर के पावर क्या करेंगे 11 का, और यहाँ पे क्या करेंगे 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 84 2 के पावर 22 इंटू पाई इंटू 17 हो जाएगा था। 17 हो गया, 75 जा टेबल पे आ गया। तो अब नंबर मिल गया क्या? ये नंबर है, यही नंबर है। अब इसका टोटल नंबर फैक्टर निकालना है, तो टोटल फैक्टर कैसे निकालते हैं? टोटल फैक्टर इज इक्वल टू क्या करेंगे 22 प्लस 1 5 प्लस सॉरी 1 प्लस 1 एंड 1 प्लस 23 इंटू 4, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 92 होगा ना, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 और 1 2 9, 92 होगा। चलो फैक्टर्स में थोड़ा बहुत और बचा है, ज्यादा नहीं बचा है। अब रेसिप्रोकल बचा है, अब स्क्वायर बचा है, परफेक्ट स्क्वायर कौन से होंगे उनके नंबर ऑफ फैक्टर बताओ, परफेक्ट क्यूब कौन से होंगे उनके नंबर ऑफ फैक्टर बताओ, बस उसके बाद ये फैक्टर्स का सिस्टम फिनिश हो जाएगा। फिर हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस क्या होता है? उसी में एक काउंटिंग ऑफ जीरो कितना होता है, कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे, आपको नंबर दिया रहेगा वहां से बोलना होगा, बताना होगा कितने नंबर ऑफ जीरो इस नंबर में हो। जैसे 126 दे दिया, ठीक है 126 का फैक्टोरियल दे दिया, 126 का फैक्टोरियल हम लोग ब्रेक करेंगे तो उसमें कितने नंबर आप जीरो आएंगे, तो 126 फैक्टोरियल ब्रेक कैसे कैसे करते हैं हम बताऊंगा, ठीक है ना। तो उसमें नंबर आप जीरो कितने ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर यूनिट प्लेस, जैसे यूनिट प्लेस हो जाएगा तो फिर डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे, फिर रिमाइंडर करेंगे। हाँ इसके बाद यूनिट प्लेस के पास आपका जाएगा डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल के बाद जाएगा रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम फिनिश होने के बाद तब एस सी एफ एल सी एम आएगा क्योंकि फाइनल हो गया एस सी एफ। तो रेसिप्रोकल हम नेक्स्ट क्लास में ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उसके क्वेश्चन तो हो नहीं पाएंगे, कंसेप्ट होने से कोई फायदा है नहीं, तो क्वेश्चन हो जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन भी करते हैं उसके, और उसके कंसेप्ट भी करते हैं,
स्क्वायर और क्यूब भी उसके साथ रहेगा रेसिप्रोकल का, तो सारे हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्लास. ओके थैंक यू क्लास, बाय बाय. थैंक यू सर, बाय. गुड नाइट. गुड नाइट सर.